सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 28 फरवरी 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 28 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। भास्कर विशेष बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न अनिवार्य हिंदी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति, भजनलाल सरकार में होगी पूरी आस। 30,000 पदों पर पदोन्नति के बाद नई रीट 2024 का रास्ता खुल जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणा, सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती निकालने का आदेश। चाहे रीट हो, आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, सभी भर्तियां जल्द जारी होगी। अगले वीक तक कर्मचारी चयन बोर्ड 4 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करेगा। पटवारी और अन्य भर्तियां हो सकती है। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में प्रोविजनल सूचियां जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट शिक्षक भर्ती मामला लेवल 2। लेवल 2 के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी। आज होगा आवेदन पत्रों का आदान प्रदान। कनिष्ठ विधि अधिकारी के साक्षात्कार में पूछे सवाल, नए कानून किस तरह बेहतर होंगे पुरानी दंड संहिता से। राजस्थान पत्रिका न्यूज, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का ट्यूट, पेंडिंग रिजल्ट्स। अब अगले कुछ दिनों में रीट लेवल 2 सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट 4, नॉन जॉइनर्स और LSA यानी पशुधन सहायक रिवाइज रिजल्ट 3, PTI रिजल्ट अपात्र हुए कैंडिडेट्स और नॉन जॉइनर के अगेंस्ट 4, वन रक्षक बैलेंस रिजल्ट पूरा प्रयास होगा। आचार संहिता से पहले मैक्सिमम रिजल्ट से। दस्तावेज सत्यापन होते ही बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। फार्मासिस्ट भर्ती, चिकित्सा विभाग की भर्तियों में चयनित बेरोजगारों ने निकाली धन्यवाद यात्रा, राजस्थान पत्रिका न्यूज। भास्कर स्पेशल न्यूज, फरवरी 2023 में 9,998 व्याख्याताओं की पदोन्नति दी, पदस्थापन नहीं किया। 12,000 स्कूलों में एक भी वाइस प्रिंसिपल नहीं, बांगड़ में 9 लगे हैं क्योंकि पदोन्नति के एक साल बाद भी 9,800 फर्स्ट ग्रेड वही रह गए। पाली भास्कर न्यूज, ऐसा क्यों, बोर्ड परीक्षा के चलते पदस्थापन अटका। इस बीच हाईकोर्ट का स्टे आ गया, फर्स्ट ग्रेड DPC के बाद खाली हो सकते हैं पद। युवाओं के लिए अच्छी खबर, LDC और जूनियर असिस्टेंट के 4,197 पदों पर होनी है भर्तियां। शुरू हुए LDC और लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC की नई भर्तियां। 53वें दिन भी जारी रहा युवा मित्रों का धरना। आज 5,000 युवा मित्र CM के पैतृक गांव से निकालेंगे बाइक रैली। इधर AN भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों का धरना। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों का धरना खत्म है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का मामला, सरकार को ठेंगा दिखा रहे गुरुजी, खुद विभाग में टोटा और यहां उधारी का खेल, राजस्थान पत्रिका न्यूज। शिक्षा विभाग स्वीकार। प्रदेश में 2 बड़ी भर्ती परीक्षा 20 जुलाई को, भास्कर न्यूज। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती परीक्षाओं में कैंडिडेट्स को होने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का सिस्टम नहीं है प्रदेश में। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती काउंसलिंग 4 मार्च से आरंभ होगी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, साइंस डे पर विशेष मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम, अधिक फीस मुख्य कारण। 12वीं कक्षा में साइंस लेने वाली लड़कियां घटी, 6 साल में संख्या आधी से कम रह गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग, PTI ग्रेड फर्स्ट के लिए 105 की सीधी भर्ती, फर्स्ट ग्रेड।
सांख्यिक अधिकारी परीक्षा प्रत्येक प्रश्न पर शुल्क 100 रुपए, मॉडल उत्तर कुंजी प्राप्तियां आदि से दर्ज करवाई जा सकेगी। यूजी सेकेंड और थर्ड ईयर सालाना परीक्षा मार्च के दूसरे सप्ताह में होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। छठी और नवी से बारहवीं की 186 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब होगी पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति के तहत होगा स्कूलों का संचालन। शिक्षा निदेशालय ने मांगी रिपोर्ट। खुला विश्वविद्यालय भूगोल समाजशास्त्र और शिक्षा में पीजी के प्रवेश शुरू। सीटेट के उम्मीदवारों को मिलेगी ओएमआर सीट, आवेदन 25 तक। कांस्टेबल भर्ती 2023 शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा का परिणाम जारी। विज्ञान विषय लेने में छात्र आगे लेकिन परिणाम में हमेशा छात्राएं रही अव्वल। राजस्थान बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी विज्ञान का गत 5 साल का परिणाम एक नजर में। नवज्योति न्यूज अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनटीटी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री भजन लाल को ज्ञापन दिया। 6 वर्ष से लंबित है एनटीटी भर्ती पूरी करवाने की मांग। धौलपुर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, रेपिस्ट टीचर्स की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। शिक्षा मंत्री बोले, तंबाकू खाने वाले शिक्षकों को गांव वाले कोर्ट भी देंगे तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का एक और ट्वीट, पटवारी सीधी भर्ती 2021 में प्रथम मूल अंतिम चयन सूची। अक्टूबर 22, 5, 2022 को मूल पदों के 93% से अधिक विभाग को परिषद की गई थी। कार्मिक विभाग के परिपत्र 27/12/2021 के अनुपालना में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी उपलब्ध करवाए जाने हेतु निर्धारित 6 महीने से अधिक हो जाने के कारण अब प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना संभव नहीं है। पटवारी भर्ती मामला, इग्नू के जनवरी 2024-17 में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 29 फरवरी कल। नवाचार, आप एक क्लिक पर घर बैठे स्कूलों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पढ़ेगी लाडो तो 51,000 तक पाएगी पुरस्कार। रीट भर्ती 2016 का मामला, एक्शन में सरकार, मामले पर मंथन के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को बुलाया गया जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से आज इस फाइल पर चर्चा प्रस्तावित। गत कांग्रेस सरकार ने एसएलपी वापसी के बाद भी लटका दिया था इस भर्ती को। वेटिंग सूची में नियम विरुद्ध तरीके से बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों को चुनकर दी गई थी। सिर्फ खानापूर्ति वास्तविक पात्र अभ्यर्थी वेटिंग सूची में चयन से रह गए थे। रीट शिक्षक भर्ती, 50 विधायक शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को लिख चुके पत्र, वर्तमान सरकार से मामले में वंचित बेरोजगारों को बड़ी उम्मीद। विज्ञान गणित व अंग्रेजी के करीब 578 पद है खाली। प्रदेश के वंचित बेरोजगार लगातार सरकार तक पहुंचा रहे अपनी पीड़ा। भाजपा ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में शुरू की थी यह भर्ती। सितंबर 2021 में एसएलपी वापसी के बाद यह भर्ती पुनः शुरू हुई। रीट शिक्षक भर्ती, जेडब्ल्यू मैन अप्रैल सेशन आवेदन प्रक्रिया, एनटी ने शुल्क की प्रक्रिया सुधारी। शिक्षकों के खिलाफ आदेश निकाल से आक्रोश, 1 मार्च को घेरेंगे कलेक्ट्रेट। सीकर, बारहवीं बोर्ड परीक्षा कल से। बीकानेर में पहला पेपर 1 मार्च को होगा। सूझबूझ से करे प्रश्नों का चयन, बिना तनाव दे उत्तर, 36 दिन चलेगी परीक्षाएं। बोर्ड एग्जाम, परीक्षाओं की पवित्रता सबसे अहम। बोर्ड परीक्षाओं में विवादित और सिफारिश व्यक्ति शामिल न किए जाए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मीटिंग में फैसला। सरकारी स्कूलों में बिना उपकरण और रसायनों के चल रही है लैब। 107 व्याख्याता में से 89 कार्यरत, भवन भी जर्जर। फर्स्ट ग्रेड के खाली पदों की संख्या विषयवार। मत्स्य विश्वविद्यालय ने बढ़ाई परीक्षा की आवेदन तिथि। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाई अब 13 मार्च तक। उदयपुर आईआरटी में बदलाव, नर्सरी व पहली कक्षा में ही होंगे प्रवेश। साइकिलों को पायलट के आवेदन संशोधन 29 तक। यूजीसी नेट परीक्षा परिणाम जारी। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, पांचवी बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से। चित्तौड़ के 28,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। ब्रज विश्वविद्यालय का कारनामा, रीचेकिंग में बिन मांगे मिले नंबर। भरतपुर सिकंजा, स्कूलों की होगी जांच, तुरंत होगी मान्यता रद्द। राजस्थान पत्रिका न्यूज, कंप्यूटर में एक क्लिक पर खुल जाएगी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की पूरी कुंडली। राजस्थान पत्रिका न्यूज डीग।